एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पॉपुलर टीवी सीरियल साथ निभाना साथियां दर्शकों को खूब पसंद आया था। इस सीरियल में एक किरदार आज भी सबको याद है और वो किरदार है कोकिला बेन का। कोकिला बेन का रोल रूपल पटेल ने निभाया था। उनकी दमदार एक्टिंग की हर किसी ने तारीफ की थी। अब खबर है कि वो स्टार प्लस के नए शो में नजर आएंगी। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि वो कहीं अनुपमा या ये रिश्ता क्या कहलाता है, गुम है किसी के प्यार में नजर आएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहा जा रहा है कि रूपल एक नया वेंचर के साथ स्टार प्लस पर वापसी करेंगी। साथ निभाना साथिया एक लोकप्रिय शो था और इसके सभी किरदारों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। कोकिला बेन के किरदार ने सबका दिल जीता। रूपल पटेल ने अपना किरदार बाखूबी निभाया और अब उनकी टीवी पर वापसी उनके फैंस को काफी खुश कर रही है। पिछली बार रूपल पटेल साथ निभाना साथिया के प्रीक्वल तेरा मेरा साथ में नजर आई थी। हालांकि शो को साथ निभाना साथिया जितना लोकप्रिय नहीं माना गया, इतना ये नहीं चला था। वहीं साल 2020 में सोशल मीडिया पर रसोड़े में कौन था का वीडियो खूब वायरल हुआ। इस वीडियो ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस पर आम से लेकर कई स्लैब्स ने रील्स वीडियो बनाए। वीडियो में खाली कुकर चढ़ाने पर राशि को फटकार लगाती हुई कोकिला बेन नजर आ रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर काफी मजेदार मीम्स भी बने। रूपल पटेल ने साल 1985 में फिल्म महक से डेब्यू किया था। एक्टिंग की दुनिया में उन्हें 35 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। वेल दोस्तों, आपको कैसी लगती हैं रूपल पटेल और उनकी टीवी पर वापसी आपको कितना खुश कर रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।